उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इन दिनों हिचकियां खूब आ रही हैं, क्योंकि अहले सियासत के दिल में अचानक मुसलमान धड़क रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस के बाद अब ओवैसी साहब को भी मुसलमानों की याद आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मुसलमानों और खास तौर पर यूपी के मुसलमानों को लेकर सियासी गलियारों में कहा जाता है कि ये उसी को वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा रहा हो। हालांकि बातें हैं, बातों का क्या। ओवैसी को लेकर शुरू से ये कहा जाता रहा है उनके उड़न खटोले में तेल बीजेपी डलवाती है, चाहे बंगाल रहा हो, बिहार रहा हो। हाल ही में ओवैसी राजस्थान भी आए थे और 7, 8, 9 सितंबर यानी 3 दिनों तक वो यूपी में रहे। सुल्तानपुर गए, बाराबंकी गए और राम की नगरी अयोध्या गए। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे सरकार और संविधान को चुनौती देते हुए पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा। सुल्तानपुर में ओवैसी ने इसौली सीट पर सभा की। ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और एक बात और आपको बता दूं, इस सीट पर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी को 3000 वोट मिले थे। और बाराबंकी भी मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। तीनों जगह ओवैसी ने मुसलमानों से जोर देकर कहा कि आप 19% हैं और एक तरफ आ जाइए। हालांकि चुनावी पंडित सियासी जानकार कहते हैं कि ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा और इसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को मिलेगा। बिहार और बंगाल का भी जिक्र लोग इसी संदर्भ में करते हैं। अब अगर बात यूपी के चुनावी गणित जाति आंकड़ों की करें तो यूपी में 19% मुस्लिम है जो 143 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। 71 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 20 से 30% हैं, तो 72 सीटों पर 30% से ज्यादा। करीब 15 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम निर्णायक स्थिति में होते हैं और कहा जाता है कि मुस्लिम जहां भी वोट करते हैं एक तरफा करते हैं। लेकिन यूपी की सियासत में 2014 के बाद से स्थितियां बदली हैं। बात आज इसी मुद्दे पर कि क्या ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यूपी जा रहे हैं, क्या 100 सीटों पर प्रत्याशी उतार कर वो सपा बसपा की मुश्किलें बढ़ाने का काम करेंगे, और आखिर चुनावी साल में ही ओवैसी को यूपी की याद क्यों आई है, क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी यहां प्रत्याशी उतारेंगे, बात इन तमाम मुद्दों पर करेंगे। अरे जबान कड़वी अगर है तो इसका जिम्मेदार तुम्हारी नाइंसाफी है। तुमने 60 साल से हमारा वोट लिया, बल्कि तुमने वोट नहीं लिया, हमारा खून चूस लिया। तुमने हमारा वोट लिया मगर हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद और कर दिया। तुमने हमसे वोट तो ले लिया मगर गरीबी हमारा मुखद्दर बना कर रख दिया। तुमने हमारा वोट तो लिया, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डाल कर सड़ा दिया गया। बताओ ये जब आवाज उठती है, ये जब सवाल उठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, BSP हो या BJP हो, कहते हैं कि देखो ये किस जबान में बात कर रहा है। अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूँ, वो संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था। और यह मुद्दा है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, बीजेपी विधायक सुमित कुदारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM प्रवक्ता मोहसिन खान जी हमारे साथ हैं, वहीं साथ ही राजनीतिक विश्लेषक SP मित्तल जी भी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मोहसिन खान जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि बात असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है। यूपी में उन्होंने 3 दिन तक डेरा डाला, लगातार संबोधन भी किया। सवाल ये है कि चुनावी साल में ही आखिर क्यों इन्हें मुसलमानों की याद आती है? नहीं, असल में ये आपको लगता है कि चुनावी साल में मुसलमानों की याद आती है, लेकिन जो पार्टी है वो कई सालों से वहाँ पे मेहनत कर रही है। अब ये है कि ये जो 7, 8, 9 जो तारीख को कवरेज किया है नेशनल मीडिया ने, ये आप लोगों की गलती है कि आपने 7, 8, 9 तारीख को कवरेज किया। अगर आप पूरे सालों में इसको जो है कवरेज करते तो आपको पता पड़ता कि ये जो पार्टी है कम से कम 10 सालों से जो है MIM जो है यूपी के अंदर जो है अपनी, जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ फोकस हो जाता है AIMIM का, आप चाहे इसे माने या ना माने, फिर चाहे बंगाल हो, बिहार हो, फिर या उत्तर प्रदेश हो। हम ये भी मान के चल रहे कि राजस्थान में भी आएंगे, इससे पहले भी वो आए थे। आप भले ही जितना कहें, अच्छा ठीक है, आप ये बता दीजिए क्या भाईजान का साथ देंगे मुसलमान? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्यों देंगे? वजह इसलिए देंगे क्योंकि 70 साल से हम एक पार्टी के गुलाम थे, एक पार्टी के वोट बंधुआ थे, हम सिर्फ एक ही पार्टी को चुनते थे और एक तरफा वोट डालते थे। लेकिन अब जो है मुसलमान बेदार हो रहा है, जागरूक हो रहा है, उसको पता पड़ रहा है कि जो पार्टी 70 साल से हमारा खून चूस रही थी और हमें कुछ भी नहीं दिया, अब वो पार्टी को हमको छोड़ना है और हमारे डिसीजन हमें खुद लेना है। हम किसी का गुलाम नहीं है। जो है संविधान हमें को हक देता है कि हम जिसको चाहे उसको वोट दें।
ठीक है, और इसलिए आप लोग सब एकजुट होकर जिसके साथ जाना चाहते हैं वो जाएंगे, और हम भी एकजुट होंगे। बदलाव है इस बार, बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रफीक खान जी, आपने सुना मोहसिन खान क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि बदलाव है, 70 साल से जिक्र बार बार कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात कर रहे हैं। क्या है इस बार मुस्लिमों का मूड, क्या है, क्या उनके लिए प्राथमिकता रखेंगे, क्या वैसे पहुंचते हैं तो वो जो बातें कह रहे हैं उन बातों को सच्चाई मानकर मुस्लिम सब एक साथ होने जा रहे हैं यूपी में, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव, इसलिए उसी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है रफीक जी, देखिए कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है और यहां जातिवाद की कोई बात नहीं है, सब लोग साथ में हैं। और आप अगर ये देखो देश की जो मुस्लिम बाहुल्य स्टेट्स है उसमें पश्चिम बंगाल का भी बहुत बड़ा नाम है, और अभी वहाँ इलेक्शन हुए, आपने सबने देखे, हमने देखे, और वहाँ भी इन्होंने कोशिश करी वोट का डिवीज़न करने की, लेकिन आवाम जागरूक है, आम जनता जागरूक है, उनको ये अंदाज़ा था कि हमें किसको वोट देना है, किसको सपोर्ट करना है, तो उनको ये लगा कि भाई यहाँ हमें बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया उन्होंने, और सब ने यूनाइट होकर के और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट किया। तो ये बात किसी एक आदमी की कह देना कि साहब एक आदमी के कहने से सारा पर्टिकुलर समाज का वोट पर्टिकुलर कम्युनिटी को चला जाएगा या पर्टिकुलर पार्टी को चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग मुद्दे हैं। यूपी की अगर बात करें तो रफीक जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के मुद्दों का चुनाव होगा, और मैं समझता उत्तर प्रदेश की अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी सारा माहौल बीजेपी के खिलाफ है, और ये बड़ा क्लियर सा फीडबैक आ रहा है, क्लियर सी पिक्चर आ रही है कि इस बार बीजेपी तो वहां से सत्ता से बाहर होना तय है। ये जो ये लोग जो काम करेंगे या ये लोग जो इलेक्शन में आपने कैंडिडेट खड़े करेंगे उससे सीधा सीधा रास्ता दिखता है कि उससे फायदा बीजेपी को होता है, और वोट डिवाइड हो जाता है, और डिवीजन होने के बाद में जो बीजेपी चाहती है वो काम हो जाता है, चाहे ये लोग चाहे नहीं चाहे। अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे ही है कि जहां जहां ये लोग लड़ते हैं वहां बीजेपी को फायदा होता है। ठीक है, और जिस तरह के डायलॉग टीवी पे और नेताओं में शुरू हो जाते हैं उससे बीजेपी को फायदा होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, और जो राजस्थान, जैसे राजस्थान की बात करें तो हम अपनी परफॉर्मेंस पे चुनाव लड़ेंगे, और यूपी में लड़ेंगे तो हम यूपी की सरकार की जो नाकामियां हैं यूपी में, लेकिन एक बड़ा से ऑक्सीजन के 19% का ये वोट बैंक है इस समुदाय की, अगर हम बात कर रहे हैं 19% वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है, अगर वो अभी तक कांग्रेस के साथ था या फिर सपा के साथ रहा होगा, फायदा भले ना हो लेकिन नुकसान तो इन्हीं का है, नुकसान बीजेपी का नहीं होने वाला है। सुमित गोदारा जी, एक बात की जाती है खासतौर से समुदाय के लिए कि जो भी पार्टी बीजेपी को हरा रही होगी वो उसी के साथ है। आपको लगता है कि अगर ये एकजुट भी हो जाए तो भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इससे फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना, क्योंकि वैसे भी वोट बैंक नहीं है। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में यदि जमीन पर और भारत में कोई पार्टी सब लोगों को साथ लेकर चलती है वो भारतीय जनता पार्टी है। भाई रफीक जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का, तो मैं भाई रफीक को केरला का उदाहरण दूंगा कि सांप्रदायिक राजनीति आपकी दिखती है जब आप केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ आप गठबंधन करते हैं, क्रिश्चियन विचारधारा से कांग्रेस जैकब के साथ आप गठबंधन करते हैं, और आप बात दूसरी जगह कर रहे हैं। आप बात सुनिए, मैं बोला नहीं रफीक भाई, सुनिए। दूसरा, आपने बात बंगाल की बात करी, बंगाल में आप थोड़ी जीते हो, हम तो 378 पहुंचे, आप जीरो पे रहे। और तीसरा, आप यूपी की बात करते हो, यूपी में आपके राहुल गांधी हार गए, यूपी में कांग्रेस है का? आप अपनी बात करो ना, बीजेपी तो आगे बढ़ रही है, बीजेपी 303 पे बढ़ी, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास। और उसका उदाहरण दूंगा यूपी, क्या पूरे भारत में मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के नाम पर वोट भारतीय जनता पार्टी? लेकिन सुमित जी रफीक जी देखिए, भले ही कितना भी आप कहें कि जाति आधार पर नहीं 36 कौम की पार्टी है, लेकिन वोट बैंक जो होता है मैटर करता है, यहाँ पर जाति मैटर करती है चुनाव में, हर राज्य की अलग अलग गणित होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें और अगर इस तरह से ताल ठोक रहे हो वैसे ही, तो क्या वाकई में एक सवाल कर लूं श्वेता जी, इसका जवाब दे दीजिए सर, एक सवाल कर लूं मैं इनसे? ठीक है, अच्छा पूछिए, बात का एक सवाल कर लूं, आप इजाजत दो मेरे को? ठीक है पूछिए सर, एक सवाल मैं कर लेता हूं इनसे, उनका जवाब ले लो इनसे। आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को साथ लेके चलती है,
आपने एक मुसलमान लड़ाया क्या लोकसभा में? आपने यूपी में एक मुसलमान को टिकट दी क्या? आपने गुजरात में एक मुसलमान को टिकट दी क्या? आपने हरियाणा में एक मुसलमान को टिकट दी क्या? आपने राजस्थान में लड़ाया, आपने मध्य प्रदेश में लड़ाया, आपने दिल्ली में लड़ाया, आप बात करते हो 36 कौम की, एक आदमी को आप 550 सीटों में एक लोकसभा नहीं लड़ाते हो और आप कहते हो कि हम 36 कौम। लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है रफीक जी, पहले और अब में फर्क नजर आता है। राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया, और जब दूसरी बार उनको पुनः मिसाइल मैन भारत रत्न उनको वापस प्रदान राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो सोनिया गांधी और कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम उनको राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे। आप ये देखिए, आपकी विचारधारा सामने आ रही है, आप कांग्रेसी लोगों को आगे नहीं लड़ना चाहते, आप ये जाति धर्म में बंध के आप पीछे लेके गए, और इसी के कारण आप जो मंशा जाहिर की जा रही है उसमें कामयाब होंगे। एसपी मित्तल जी, श्वेता जी, श्वेता जी, अभी अभी आपके आपकी रिपोर्ट में अभी ओबीसी साहब का मैंने विचार सुने। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो असदुद्दीन ओबीसी हैं, एआईएमएम के जो प्रमुख हैं, उनकी पार्टी का पूरा नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम नाम है उनका। तो आप ये समझिए कि एक तरफ वो अपनी पार्टी का नाम अपने अपने नजरिए से रखते हैं और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता और संविधान के क्या नाम से बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाएगी। आपको जो अपना विचार रखना है वो रखिए। अभी रफीक साहब ने बहुत अच्छी सी बात कही कि जिस तरीके से पंजाब पश्चिम बंगाल में भी ओबीसी साहब गए थे और इस बात की पूरी कोशिश की थी कि कुछ उनके क्या नाम से उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन वहां पर एक भी ओबीसी साहब का एक भी उम्मीदवार वहां चुनाव नहीं जीता। जो हाल ओबीसी की पार्टी का हुआ, वहीं पर मुसलमानों के वोट लेने के लिए कांग्रेस ने, लेफ्ट ने और फुरफुरा शरीफ ने एक गठबंधन किया था, लेकिन कांग्रेस को भी वहां एक भी सीट नहीं मिली। मेरा ऐसा मानना है कि अभी इस देश का जो मुसलमान है वो ये सोचता है कि आखिर में उसका वोट का उपयोग किधर होगा। उनको पश्चिम बंगाल में लगा कि हमारे वोट का उपयोग ममता बनर्जी के साथ होगा, तो उन्होंने ममता बनर्जी को, टीएमसी को एक साथ एक मुश्त जिताया। अब आ रहा है यूपी का चुनाव और यूपी में ओबीसी साहब 3 दिन दौरा वहां पे कर रहे हैं और क्या नाम से अयोध्या के जो पोस्टर लगाए वो फैजाबाद के लगाए, और वही तरीका आज उनका जो बयान ओबीसी साहब का आया है वो ही आया है कि इस देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। उन्होंने 3 तलाक को भी ये मान लिया कि ये मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। तो जो उनका एजेंडा है उस एजेंडे के मुताबिक वो यूपी में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो चुनाव परिणाम मुसलमानों के मतदाताओं को लेकर पश्चिम बंगाल में सामने आया वैसा का वैसा यूपी में आना चाहिए, और जो यूपी का जो मुसलमान है मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। ठीक है, आपको लगता है समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, लेकिन मोहसिन खान जी संबोधन दिया उन्होंने, कई जगह 3 घंटे तक वो संबोधित करते रहे, तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर ओवैसी साहब ने किया, लेकिन वो कहते हैं कि डरो मत, उम्मीद कायम रखो, नेता बनो। किससे डर है मुसलमानों को, आखिर डर किससे? क्या डर कर वोट वो कर रहे हैं, या सिर्फ ये जाहिर करने की कोशिश, या ये कोशिश ये है कि किसे हमें जीतने नहीं देना है उसके दूसरे पाले में चले जाओ? कोई विजन तो होगा वहां पर भी? असल में डर का जो माहौल है वो कांग्रेस ने बना रखा है कि कांग्रेस कहती है कि हमें वोट दीजिए नहीं तो कि बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी तुम्हारे तुम पे अत्याचार करेगी, तुम पे जुल्म करेगी। ये डर का माहौल कांग्रेस ने बना रखा है, और आज से नहीं बना रखा बल्कि 70 साल से ये डर का माहौल बनाकर अपना वोट बैंक जो है रिजर्व कर रखा था। 70 साल से आप लोग चुन तो रहे हैं ना, बिल्कुल चुन रहे थे, इलेक्ट करके भेज रहे हैं। बिल्कुल, हम भी डर के वजह से, एक नेता आया है यहाँ से 1800 किलोमीटर की दूर से, एक आवाज लगाता है और ये कहता है कि भाई डर के माहौल से बाहर निकलो, गुलामी से बाहर निकलो, अब निकल के जो है फाइट करो आप। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी से भी डर, कांग्रेस से भी डर, अगर आपको कोई बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है, तो वो एआईएमआईएम ही? जी नहीं, बिल्कुल एमआईएम ही सुरक्षित रख सकती है। और दूसरी चीज, क्योंकि ये लीडरशिप हमारे अंदर जगा रहे हैं। आज के नौजवान को आप पूछो किसी से तो कहीं पहले कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं सुनते थे, संविधान का नाम नहीं सुनता ना, किसी लीडर ने ये नहीं बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है। ओबीसी साहब जब से आए, जब से यूथ में एक हलचल सी है और वो जानते कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और संविधान क्या है। तो पढ़ा लिखा है यूथ, बिल्कुल पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद में भी इनके बताने पर ही आप लोग समझ रहे हैं कि आपको, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा लिखा होने, हर चीज पढ़े लिखने से नहीं होती, बल्कि उसको अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत होती है। जब वो अवेयर हुआ, आर्टिकल्स की बात होती है, राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ स्पीच है, ये आर्टिकल्स किसने सबसे पहले संबोधित किया टीवी चैनलों पर आके?
मुसलमान कोई लीडर हुआ है तो ओबीसी साहब हुए हैं। ओबीसी साहब की पहले हम नहीं जानते थे कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और ये रफी खान साहब जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी किस मुसलमान को उतारती है, तो इनका भी एक जवाब ये है कि कांग्रेस ने क्या कर दिया, पहले 25 सीटें हैं राजस्थान के अंदर एमपी की, आज तक किस मुसलमान को टिकट दिया? कैप्टन अयूब को बहुत पहले एमएलए के टाइम पर कितने दिए? 9 एमएलए को टिकट दिया। और आप सीटें कितनी नहीं दे देंगे? सबको नहीं दिए। 40 सीटों पर मुसलमान प्रभावित है राजस्थान के अंदर, वो 9 सीटें उनको दिए, 40 पे क्यों नहीं दी? लेकिन 9 आपकी आवाज को मुखर कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। 16 को दिया है, 15 सीटों पे लड़े हैं, 15 सीटों पे लड़े हैं, तो आई क्यों नहीं है फिर? 9 तो जीते हैं बिल्कुल, तो 40 सीटों पे देना चाहिए था ना। अगर 15 पे दिए ठीक है, मैं उसको 9 तो जीते हैं भाई, 40 सीटों पे इफेक्ट करते हैं। ऐसे तो उम्मीद करके रखे मोहसिन खान जी, आपको लगेगा कि सभी एक कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि एक पार्टी एक भी नहीं दे रही है। हर एक धर्म, हर एक समुदाय के लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे लोगों को टिकट दे दिया जाए, दूसरी पार्टी क्या दे रही है? नहीं, चूंकि दूसरी पार्टी से कंपेयर नहीं कर रहे अपन, चूंकि विचारधारा ही मुसलमानों की और बीजेपी की एकदम अलग है। चूंकि अगर एजेंडा लेके चलते हैं, अगर ये कहते हैं कि जो है MIM जो है मुसलमान जो है एजेंडा लेके चलती है, तो बीजेपी का भी दूसरा रुख है, उसको भी उठाकर देखें तो वो भी हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलती है। कहा तो ये जाता है कि बीजेपी की ये बी टीम है, बीजेपी टीम, चलो ठीक है आपके कहने से मान लेते बीजेपी की बी टीम है। अभी गहलोत सरकार जब ये थी, गहलोत सरकार जब यहाँ पे थी, इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो यहाँ पे किसने इलेक्शन लड़ा था? ओबीसी साहब ने कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ा? तो ये वसुंधरा राजे कैसे यहाँ पे आई, बीजेपी कैसे सत्ता में आई? अगर बी टीम थी तो हम तो यहाँ पे इलेक्शन लड़े ही नहीं, फिर बी टीम कैसे हो गई? अभी दिल्ली के अंदर कौन से जो है ओबीसी साहब की जो है पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल हो गया, कांग्रेस का दामन छोड़ दिया मुसलमानों ने और आपके साथ चली गई। जहाँ पे भी ऑप्शन आएगा मुसलमानों को ऑप्शन मिलेगा जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर, और वो वहाँ पे जाएगी। सुमित जी, ऐसे में तो फायदा बीजेपी को ही है ना। ये जो बात बी टीम की आ रही है, मैं इसकी रफीक भाई जो मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं, रफीक भाई सबसे ज्यादा ओवैसी साहब प्रधानमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री जी के बारे में उठ-सूट बोलते हैं, आपके कांग्रेस के बारे में नहीं बोलते। सबसे ज्यादा विवादित टिप्पणी वो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आप उन्हें बी टीम कह रहे हो। और दूसरी बात एक रफीक भाई, एक बात नोट करो कि ये जो बात देश में धर्म के नाम पर वोट मांगने की, वो मनमोहन सिंह जी का वो वाक्य जिसने कहा गया कि देश के रिसोर्सेज पर प्रथम हक अल्पसंख्यकों का है, बहुत अपमानित बात थी वो देश के लिए। मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि देश के आम आदमी का हाथ है तो हमें खुशी होती, पर उन्होंने ये वाक्य दिया। मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति बोले कि अल्पसंख्यकों का हाथ है, वो बड़ी अपमानित वाली बात थी, उसी वजह से कांग्रेस आप गलत में जा रही है, उसी वजह से डाउन जा रहे हो आप। ठीक है सुमित जी, मनमोहन सिंह जी के नाखून का मुकाबला नहीं कर सकता कोई आपकी पार्टी ने, जरा ये बता दीजिए। मनमोहन सिंह जी के नाखून का मुकाबला नहीं कर सकता आपके नाखून, और इन्हीं में ही पड़े रहो, विकास में मत बात करो, बस आप इन्हीं में रहो। बातों दुनिया मानती है मनमोहन सिंह जी को पूरी दुनिया मानती है, और वो भी मानते हैं दुनिया रफी, मनमोहन सिंह जी खुद मानते हैं, गलत स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से कांग्रेस का सफाया। रफीक जी सुनिए जरा चर्चा हो रही है सर, आप एक ही बात लेकर बैठे और बार बार एक चीज सुनिए रफीक जी। एसपी मित्तल जी, सवाल एक ही है, बार बार बात भले ही कही जा रही हो अलग अलग समुदाय की, जाति धर्म की, 36 कौमों को साथ लेकर चलने की बात सब करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वोट बैंक पर नजर रहती है, किस वोट बैंक को साधना है उस पर नजर रहती है, किस समुदाय को साथ लेकर चलना है उस पर नजर रहती है, कैंडिडेट भी चुनना होता है तो कौन सी जाति का चुना जाए ताकि वो जीत कर आए, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट ही चाहिए, फिर इसके बाद ये क्यों बातें कही जाती है कि जाति और धर्म के आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ते? हर कोई यही कहता है लेकिन करता हर कोई यही है, हर पार्टी यही कर रही है। नहीं श्वेता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जब भी हम उम्मीदवारों का चयन करते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जब भी हम उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो ये देखते हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र में या उस लोकसभा क्षेत्र में इस उम्मीदवार के जाति के कितने मतदाता हैं। लेकिन अभी जब बात हो रही है ओबीसी साहब की, तो ओबीसी साहब का एक ही एजेंडा है कि मुझे मुसलमानों के वोट चाहिए, और अभी उनके जो क्या नाम से राजस्थान के जो प्रतिनिधि मोहिन साहब, उन्होंने भी इस बात को कहा कि वह मुसलमानों में खासकर युवाओं में जागृति ला रहे हैं कि हमारी लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वोट सिर्फ मुसलमानों के चाहिए, लेकिन मेरा इस मामले में कहना है कि ऐसा नहीं है। इस भारत के अंदर इस भारत के अंदर एक सूफीवाद भी है, जिसके अंदर दरगाहों में क्या नाम से हिंदू भी उसी सद्दत
उसी अकीदत और उसी श्रद्धा के साथ में क्या नाम से जाके जियारत करता है। तो ये जो हमारी गंगा जमुना जो तहजीब है, मेरा ये मानना है कि उसको बना रहना चाहिए और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष की बात करने से ये काम चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मोहसिन खान जी ने आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में 3 दिन रहते हैं और उसके बाद उन्हीं मुस्लिम नेताओं को पकड़ रहे हैं जो अपने दम पर जीत दर्ज करते हैं, यानी कुल मिलाकर एक ही लक्ष्य कि सभी मुस्लिम को उत्तर प्रदेश में एकजुट करना और अपने पक्ष में वोट कराना। आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को भी हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है। आपको लग रहा है बस मुस्लिम एकजुट हो जाए और यही कहीं ना कहीं एम उद्देश्य लेकर AIMM चल रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जाति की राजनीति हर एक पार्टी करती है और हर पार्टी इसी पे कैंडिडेट भी उतारती है कि कौन सी जाति का कितने वोट हैं जो उसके अब से उसको सेंधना है। अब मुसलमानों को एकजुट करके साथ में जो है SC ST वगैरह को भी साथ में ले रहे हैं हम लोग। अभी ये देख लिया, अभी परसों के इंटरव्यू में अच्छा साहब ने फरमाया था कि जो है कई एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमारे हिंदू भाइयों के आए हैं जो विचार करेंगे। भी नहीं जीत पाए आप लोग? हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जीतेंगे इंशाल्लाह। काशीराम जी कहा करते थे पहले हारेंगे दूसरे हराने की ताकत रखेंगे, तीसरी बार हम जीतेंगे। ये तो शुरुआत है, जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो कितनी सीटें थी? कुल 2 सीटें थी। आज फुल बहुमत से बैठी है, हम भी इंशाल्लाह शुरुआत कर रहे हैं और बहुमत से आएंगे फिर। यानी 100 सीटों में आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे और जीत दर्ज करेंगे आप लगभग? ये बिल्कुल करेंगे, राजभर साहब के साथ में हमारा अलायंस है, इंशाल्लाह करेंगे। आदमी लड़े, कितने आदमी राज्यसभा में गए कांग्रेस से, कितने आदमी MP लड़े, इनको कुछ मालूम लेकिन उनको याद भी नहीं है। रफीक जी वो सीधे कह रहे हैं 70 सालों में नुकसान ही हुआ है मुस्लिम को, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुस्लिम क्या सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं? मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, उनके हित की बात यहाँ पर की जाती है, अल्पसंख्यकों के सुधार की बात की जाती है कि जितना उन्हें बेनिफिट यहाँ पर दिया जा सके। लेकिन अगर आज अलग होकर AIMIM के साथ जाना चाहती है, उनको एकजुट करने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश में, तो आखिर लक्ष्य क्या है? क्या वाकई में सरकार कौन बनाने वाला है उसको नुकसान पहुंचा की कोशिश है, खुद जीत दर्ज करने की कोशिश है, या फिर किसी और के लिए काम किया जा रहा है? कई अहम सवाल है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या राजनीति नजर आती है उत्तर प्रदेश में। चुनाव की बिसात जिस तरह से बिछाई जा रही, कौन सी पार्टी इसमें सफल होती है और किस तरह की रणनीति बनाई जाती है, यह भी बेहद अहम रहेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।